हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे साल 1996 में आई बॉलीवुड की दो सबसे बेहतरीन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ में जानेंगे दोस्तों कौन मूवी रही थी उस साल की नंबर वन हाई ग्रॉसिंग मूवी। तो दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे आमिर खान स्टार मूवी राजा हिंदुस्तानी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, सलमान खान सनी देओल स्टार मूवी जीत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लेते शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जीत मूवी के बारे में। दोस्तों इस मूवी को 23 अगस्त 1996 को रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में सलमान खान, सनी देओल, तब्बू, करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी अहम किरदार में नज़र आए थे। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी को दोस्तों उस समय 7 करोड़ 25 लाख रुपये के बजट बनाया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को उस समय 235 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अगर दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए दोस्तों इस मूवी ने पहले दिन 82 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में 4 करोड़ 19 लाख रुपए की कमाई की थी। अगर दोस्तों इस मूवी के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात कर लें तो इस मूवी ने लाइफ टाइम टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर उस समय 29 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। दोस्तों ये मूवी साल 1996 की तीसरी सबसे बड़ी मूवी भी साबित हुई थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आमिर खान स्टार मूवी राजा हिंदुस्तानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 11 नवंबर 1996 को रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी में आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबेरॉय, टिंकू तलसानिया, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर नज़र आए थे। अगर दोस्तों इस मूवी के स्क्रीन की बात करें तो इस मूवी को दोस्तों 185 स्क्रीन पर उस समय रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनाया गया था। अगर दोस्तों इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट था 5 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के हम कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दोस्तों पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की थी। अगर दोस्तों इस मूवी के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। ये दोस्तों उस साल की नंबर वन हाई ग्रॉसिंग मूवी भी साबित हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आपने दोस्तों राजा हिंदुस्तानी मूवी और सलमान खान सनी देओल स्टार मूवी जीत देखा है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको दोनों में से कौन सी मूवी लगी थी बेस्ट और किसकी एक्टिंग आई थी दोस्तों ज़्यादा पसंद। तो दोस्तों वीडियो को कमेंट करके बताएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कहीं नए अपडेट के साथ। दोस्तों आप कमेंट करके बता भी सकते हो आप किस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।